My family, I've been like open about everything. When they know all about when I lost virginity, only I can lose. So when I lost, I told them, I said, आज कर क्या है? My parents are watching. यही होता है जब आप इंजेक्शन वाले नशे बहुत ज्यादा कर लेते हैं। दिमाग बौखला के कब बकलोली कर देता है पता तक नहीं चलता। और ये क्या हुलिया बना रखा है, शिनचैन के स्कूल का प्रिंसिपल लग रहा है। कुछ भी अबे चल तू तो एक मलमल का कपड़ा है, रातों को खोल के देख जो तूने पकड़ा है, बातों को खोल तेरे जिसपे तू पकड़ा है, तेरा भाई बहुत लाड क्योंकि मैंने पकड़ा है, मेरे स्वैग मेरे हाथ में, तेरा स्वैग तेरे बाग में और तेरे कैट में, रूबाब मेरे बाग में। स्वागत है आप सबका। क्यों 2019 की शुरुआत से ही हम सबको तड़पाया जा रहा है, कहीं अंडे पे मिलियन लाइक है तो कहीं पांड्या की बकचोदी। और इससे भी ज्यादा पिछले 10 दिनों से लोग एक सवाल के पीछे मर रहे हैं, पिट रहे हैं, गुत रहे हैं, लेकिन एक से एक आंडल पशु जिनकी थूत इतनी बुरी है कि कई बार शीशे में खुद को देख के सहम जाते हैं और फिर शीशा भी उनसे बोलता है कि बकबोसड़ी के, लेकिन उसके बाद भी अपनी 10 साल पुरानी फोटो को, जिसको उस कैमरे से खींचा गया था जिसका इस्तेमाल करके छोटे बच्चे अपने बाप को अपनी चूतड़ों की फोटो में भेजते हैं, और उन 10 साल पुरानी फोटोओं को बेशर्मी के साथ आज की उन फोटोओं से कंपेयर किया जा रहा है जिन्हें शगुन के 101 फिल्टरों से सम्मानित किया गया था। नहीं, जितने भी लोगों को ये लगता है ना कि 10 साल में उनका रूप निखर के आ गया है, तो मेरी बात सुनो और एक काम करो, मुंह में कट्टा रखो और चला दो, घर वाले भी कुछ हो जाएंगे कि नाकारी औलाद से आजादी मिली। नहीं समझो मेरी बात को, तुम चाहे कितना भी थूत पे स्नैपचैट का फिल्टर लगा लो या फिर सांस खींच के छाती फुला लो, अगर 10 साल पहले हमारी शक्ल गधे की बुन से मिलती थी तो आज भी वो गधे की बुन से मिलती है, 1% का चेंज नहीं आया है। एक तो पहले से ही आधे देश को टिकटॉक वालों ने बर्बाद करके रख दिया है, आप लोग खुद नजर डालिए किन हरकतों पे उतर आए लौंडे। चाचा थम जाओ वरना कोई दुर्घटना हो जाएगी। नहीं कोई समझाओ मुझे, ये शरीर की कौन सी हड्डी चटकाने की कोशिश कर रहे हैं चाचा? खुदा कसम मैं लिख के देता हूँ ये शरीर सुताई मांग रहा है। अरे बेटी चौध, ये वही लौंडे होते हैं जो अपना नुन्नू घुमा करके खुद की बुन में ढाल लेते हैं। ऐसे लौंडों से मेरा एक सवाल है, मम्मी की लिपस्टिक लगा करके जिंदगी के कौन से मजे आ जाते हैं? फिर ऐसे ही लोग जोमेटो पे खाना ऑर्डर करने के बाद पेमेंट मेथड में गांठ पे टिक लगाते हैं। अब ज्यादा चप्पल कहाँ है मेरी? ऐसे लौंडों को देख करके एक महान इंसान ने क्या खूब कहा है कि अरे भूसड़ी वाले, अगर किसी छोटे मासूम बच्चे ने तेरा ये रूप देख लिया ना तो उसका बचपन तबाह हो जाएगा, मुंह से हगने लगेगा वो। मिठास इस वक्त देश की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है, बेरोजगारी बाद में दूर होगी, पहले एक अलग ही योजना चलानी पड़ेगी, प्रधानमंत्री मीठा रोको योजना। पीछे का दरवाजा बंद कर लेते क्योंकि अगर कोई टहलता घूमता कमरे में आ गया और ये बर्बादी का नजारा देख लिया तो एक अजीब सी नपुंसकता छा जाएगी उस इंसान को, क्योंकि एक आम इंसान की नंगी आंखें इतना मीठा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब जब तरह तरह के मीठे प्राणियों को हम लोगों ने देख ही लिया है और प्रकाश मिठास के बेताज बादशाह पर न डाला जाए तो बहुत नाइंसाफी होगी। Well, I already went on record and I said I apologize because the show is mine. I take complete accountability. It was my platform. Those were my questions. इस लचक को देख करके एक बात तो साबित हो चुकी है कि बिना लौड़े वाला इंसान भी लोगों के लौड़े लगा सकता है। My family, I've been like open about everything. They know all about when I lost virginity only I can lose. So I lost. I told them I said आज कर क्या है? My parents are watching me like you. हेलो हेलो थाइनोस भैया, अरे इस चूतिया को जिंदा क्यों छोड़ दिया? परिवार हो तो ऐसा लौंडा करके आया है तो पूरे मोहल्ले में गाजर का हलवा बंटवाया जा रहा है। ऐसे ही बच्चे होते हैं जो क्राइम पेट्रोल देख करके हिला लेते हैं और एक बार अपने भाई के हुलिये पे तो निगाहें डालिए। गले में निर्मल बाबा की दी हुई चेन और आंखों में शॉर्ट किंग का चश्मा और चेहरे पे शक्ति कपूर वाली हंसी, ललिता। ऐसा लग रहा है कमलेश और नगर पालिका वाले भाई को मिला करके ये पैदा किया गया है। My parents are sitting and I was like, they're like, अच्छा तेरा वाला कौन कौन है? So actually I said with them, मैंने like ये मतलब सबके साथ कुछ ना कुछ रहा है मेरा। इनकी जिंदगी तो एक अलग दिशा में जा रही है, एक ऐसी दिशा जो आपकी बुनकों का फटानी कर देगी, किसी को पता तक नहीं चलेगा। अगर किसी शादी में हमारे बाप ने हमसे मजाक में भी पूछ लिया ना, और बेटा कौन कौन सी लड़कियाँ पसंद आई, और हमने मुँह उठा के ये जवाब दे दिया ये, तो उसी शादी में दूल्हे की गोद में लेटा करके हम लोगों को बाप के हाथों 575 हंटर पड़ेंगे। विराट और सचिन द बेटर बैट्समैन। विराट 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 नहीं, देखो वी लव विराट, वी रिस्पेक्ट हिम, बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लेयर है वो, लेकिन ये द बेटर बैट्समैन विराट। शक्ल बता रही है कपूर की गोली सूंघ के आ गया बकचोदी करने। बेटा जब बल्ला सीधा पकड़ना भी नहीं आता था ना, तब से कहर मचा रहे सचिन सर, तो समझो इस बात को। आड़ चाहे जितना बड़ा हो जाए लाड़ के नीचे ही रहता है। तो 2019 की शुरुआत ने हम लोगों को ये सिखाया है कि सबसे पहले तो मीठी कॉफी से दूर रहकर चाय पी लो। और मेरे हिसाब से ये 10 ईयर चैलेंज आज तक का सबसे ज्यादा बेकार और वेला ट्रेंड है, तो इससे 4 हाथ की दूरी पर रहो और अपने काम धंधे पे लगो। लोग आज भी वीडियो के टाइटल में देसी लगा करके व्यूज खींच रहे हैं ना, कुछ सीखो उनसे। कुछ भी तो बस यार आज का मुकदमा यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक मारो। आज का एम है 65,000 लाइक। देखो यार संभाल लेना। और अगर आपने अभी तक मेरे सेकंड चैनल हद बीसी लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर इस क्रांति में नए हो तो जो लाल वाला बटन उस पर क्लिक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बगल में घंटा बन के आएगा उस पर भी दबाओ ताकि तुम नोटिफिकेशन पाओ। और अब बस यार मैं भी चलता हूँ, मुझे आज करके आना है। एंडिंग लगाओ। व्यूज नहीं लेता मैं, वायरल ना होता मैं, पंगा नहीं लेना, बनटाई बिना बात मरना, बात बढ़ जाए फटाफट सड़क। 4 दिन वाला फेम मुझे कोई शौक नहीं, ये हिप हॉप है, स्टाइल मेरा महंगा, ऊपर से मुझे कोई लेबल का रूप, मेरे गाने सारे आते मेरे सड़क से, तू शाना तो येड़े में नरक से, सारे रापर मुझे देख के क्यों भड़कते, बनटाई खड़ा है यहाँ अलग से, अलग मेरा फ्लो अलग।